महाराजपुर पुलिस से 25,000 का इनामी किया गिरफ्तार। पशु चारा के नाम पर अपमिश्रित शराब का करता था कारोबार। महाराजपुर पुलिस में बीती रात मुखबिर की सूचना पर 25,000 के इनामी अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र प्यारे लाल निवासी दानसू थाना हिसार जनपद हिसार हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ महाराजपुर थाने में अपराध संख्या 79/19 पंजीकृत है। पत्रकारों के वार्ता करने पर क्षेत्राधिकारी सदर ने बताया कि 25,000 इनामी अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है, जो कि पशु तस्करों के लिए ट्रकों में पशु चारा की फर्जी बिल्टी बनाकर अपमिश्रित शराब का संचालन करते थे। विवेचना के दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से 8 मार्च 2020 में 681 पेटी शराब बरामद की थी, जिसकी कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए थी। बीती रात अभियुक्त पुलिस की एक्टिविटी को भांपने के लिए महाराजपुर आया था, जिससे कि अपने कारोबार का संचालन फिर से शुरू कर सके। लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुभाष यादव को राधे ढाबा के पास से धर दबोचा। गिरफ्तार करने वाली टीम राघवेंद्र सिंह थानाध्यक्ष महाराजपुर, उपनिरीक्षक मान सिंह, उपनिरीक्षक दीपक कुमार, कांस्टेबल रामराज रावत, पंकज सत्येंद्र कुमार रहे। आरटीआई न्यूज 24 के लिए अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये 8 मार्च 2019 को महाराजपुर पुलिस ने एक डीसीएम में 681 पेटी अपमिश्रित हरियाणा की शराब पकड़ी थी, जिसमें दो अभियुक्त मौके पर पकड़े गए थे और एक ये फरार हो गया था। और तब से थाना महाराजपुर की पुलिस इसकी तलाश में दबिश हरियाणा में भी कई बार परमिशन लेके जा करके दे रही थी, और आज ये सुबह महाराजपुर में पकड़ा गया है। इसके ऊपर डीआईजी महोदय कानपुर नगर की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम है, और ये उसी शराब के मुकदमे में वांछित कर रहा। पूर्व में जो शराब पकड़ी गई थी महाराजपुर थाने में, दो गाड़ियां जिसमें शराब पकड़ी गई थी, एसटीएफ का भी उसमें काफी सहयोग रहा, तो क्या उसका कार इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? हाँ, इस संबंध में भी हम लोग जांच कर रहे हैं और अभी इससे पूछताछ हमारी चल रही है। चूंकि वो भी हरियाणा से ही शराब आई थी, तो निश्चित तौर पे उससे भी इसका तार जुड़ा है। जी, क्या वर्तमान में भी अपराध कर रहे हैं? इस समय अभी पूछताछ में इसने बताया है कि हमारे और साथी हैं, और जिनके बारे में इसने बताया है उनके बारे में भी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। ये जो फर्जी बिल्टी बनाने वाली बात सामने आई है, ये क्या इसका ये पूरा गिरोह मतलब कहाँ से संचालित कर रहे थे? ये पूरा गिरोह इनका फर्जी बिल्टी को बना रहा है, ये हरियाणा हिसार से संचालित कर रहे हैं, और शीघ्र ही हम इसके गैंग के अन्य जो लोग हैं उनको भी पकड़ लेंगे। आज जिस समय इसको पकड़ा है, ये वहाँ राधे राधे ढाबा के पास से जहाँ जो पकड़ा गया लोकेशन जो दिखा रहे हैं, वो क्या किसी वाहन से था ये मतलब पैदल कैसे किसी ये किसी वाहन से ही आया था, परंतु वहाँ उतर करके ये पुनः ये इन लोगों को ये है इस अपराध में क्योंकि ये लिप्त है, तो ये यहाँ पर पता करने आया था कि क्या पुलिस की एक्टिविटी है। उसके बाद ये फिर से ये दारू का यहाँ से आवागमन शुरू करवा पाते, लेकिन इसी बीच में पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पकड़ लिया है। इसका यहाँ पर लोकल नेटवर्क भी है जिससे मिल रही है, आज हो सकते हैं यहाँ पे आया है कैंटो में किए अभी अभी ये पूछताछ की जा रही है, इस संबंध में जो जानकारी मिलेगी आप लोग को दिया जाएगा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।